कमीने, तुम केकड़ों को छोड़ दो। फू ने मेरे भविष्य के बारे में बताया था मुझे। मेरा शरीर जल्द ही नष्ट हो जाएगा। इसका मतलब तुम उस समय से आए हो जब ज़ेनोसामा ने ब्रह्मांड को मिटा दिया था। सही कहा। मैंने अलग अलग समय में जाकर गोकू से लड़ाई किया और इस शरीर का इस्तेमाल करके खुद को तैयार किया। इस लड़ाई को मिलाकर अब तक मेरा 100वां लड़ाई हो चुका है उसके साथ। अब ये शरीर मेरा होगा। सुनो जी, ऐसा लगता है तुम इस शक्ति को नहीं संभाल पा रहे हो। तुम्हारा अंत भी सैयन कैकरोट जैसा ही होगा। क्या ये? क्या ये? तो लगता है अभी भी ये मुझसे ज़्यादा ताकतवर है। इसका मतलब ये है कि मैं और भी ताकतवर बन सकता हूँ, क्योंकि मैं भी इसकी तरह ही सन गोकू हूँ। तो देखते हैं सन गोकू ये लत कितने लंबे समय तक तुमको बचा पाएगा। इस कमीने ब्लैक की तो कुंबर, हम चाहते हैं कि तुम वैसे ही करो जैसे हम चाहते हैं। हे कैकरोट, जल्दी करो नहीं तो हम नहीं बच पाएंगे। मुझे कहीं पर भी की महसूस नहीं हो रही है, ये कैसे हो सकता है? अब अंत आ चुका है। एक प्लेनेट का विनाश इससे सुंदर क्या हो सकता है? सन गोकू, तुम एक अनाड़ी हो। क्या सेल? ये कमीना कैसे? आ ही गया तो तू फिर से चले जाओ। एक सैयन को कभी कम मत समझो। चले जाओ यहाँ से।
ये मरे हुए लोग दोबारा परेशान कर रहे हैं। लानत है इन राक्षसों पर जो इनका साथ दे रहा है।